नमस्कार, R9 टीवी की हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। असेंबली का अखाड़ा और कुरुक्षेत्र 2019, हालांकि कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये हरियाणा का नारनौल है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नारनौल तहसील और उसका ये पटिकरा गांव है। इसकी एक बहुत बड़ी विरासत है इतिहास की। दरअसल कुछ नजरें घुमा के आपको दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो इलाका है, पटिकरा जो गांव है, गांव का इतिहास भी बहुत पुराना है। ये इधर देखेंगे आप, तालाब है, कई फीट गहरा ये तालाब है। राव तुलाराम जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, यादव अहिरवाल राजा थे, उनकी ये जागीर कही जाती थी। लेकिन अब ये तालाब थोड़ा सूख चुका है, यानी कि इतिहास थोड़ा सूखता जा रहा है। लेकिन इतिहास से परे हट के थोड़ी सी नजर इधर घुमाएंगे तो आपको सोलर पैनल भी नजर आएगा, यानी कि भविष्य की झलक भी आपको नजर आएगी। और इस भविष्य की झलक को जानने के लिए क्या कुछ नया चल रहा है चुनावी समर में, क्या लोगों की राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम पटिकरा गांव की एक धर्मशाला में पहुंचे हैं, जहां लोगों का जत्था है, युवाओं का टोला है और बुजुर्गों को भी जत्था है। सबकी राय समझेंगे और यहां राय समझना बेहद जरूरी भी है। चलिए तो अब हम अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। दरअसल ये धर्मशाला है और जहां पर आपने फोकस किया था, एक बार दिखा दीजिए, लोकसभा क्षेत्र 8 भिवानी महेंद्रगढ़, विधानसभा क्षेत्र 70 नारनौल, धर्मशाला है ये। और यहां पर आपको बता दें कि युवाओं का टोला भी है और बुजुर्गों का जत्था भी है। बहुत से लोग यहाँ खड़े, देखिए बहुत से खड़े, ये पूरे प्रांगण में बहुत से लोग हैं। अपनी अपनी इनकी राय होगी और सबसे मुफीद जगह है, किसी विधानसभा का आकलन करना हो तो सबसे मुफीद ये जगह। बात बिल्कुल मुफीद इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दरअसल ये जो पटिकरा गांव है, ये एक ग्राम पंचायत भी है और नगर से बिल्कुल नज़दीक भी है, तो ऐसे में दोनों मिजाज मिल जाएंगे हमें कि शहर से नज़दीक होने के कारण लोगों की क्या मानसिकता होती है। गांव का ग्राम पंचायत है तो इसमें क्या लोग किस तरीके से वोट करते हैं। आप सरपंच हैं इस गाँव के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि अब इलेक्शन समर, जो चुनावी समर आ चुका है, किस हिसाब से वोट करने जा रहे हैं आप, क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? हमारा सबसे पहले मुद्दा तो यह है कि हमारा गांव नगर परिषद में चला गया है अधिसूचना के अनुसार, पर हम हमारे गांव की यही इच्छा है कि हमारा गांव को गांव रहने दो, हम नगर परिषद नारनौल में नहीं जाएंगे। आपके गांव, बड़ा मुद्दा यही, आपके गांव का स्वरूप जो है, गांव का स्वरूप बना रहे, आप ये सभी चाहते हैं? हाँ जी, हमारे सभी चाहते हैं। इसके अलावा आपसे, हाँ आप भी बताइए। पहले हम नेता की राय लेंगे, वो हमारा साथ देंगे तो उनका साथ देंगे, नहीं तो वोटों से बहिष्कार कर देंगे। अच्छा, ये आपने ठान लिया, चलिए ठीक है। और बहुत मुद्दे हैं। अच्छा, ये देखा जाता है कि 2019 या 2014 में राष्ट्रवाद की बात और उन बातों से दरअसल चुनाव जीते। 2019 में अभी बीजेपी ने ज्यादातर जो सीटें जीती हैं वो कई लाख के मार्जिन से जीती हैं, लेकिन पता गांव देहात में आकर पता चलता है कि विधानसभा के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, फिर वो पार्टी छूट जाती है। तो जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावे कर रही है 75 पार का आंकड़ा, उनको भी आप सोच रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो बात करते हैं, धारा 370 को हटाने की बात करते हैं, कैथल में उनकी रैली हुई है, रोहतक में हुई है, उन बातों से भी आपको थोड़ा प्रभाव पड़ता है या जो निजी मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण? प्रभाव तो जब पड़ेगा, जब मारो गांव ने शहर से बाहर कर देगा तो हम मान जाऊंगे, 370 धारा तोड़ दी, नहीं तो हम तो बहिष्कार कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, निजी मुद्दे हमारे लिए, लेकिन गांव का जो है ना, वो हमारे भाईचारे का मुद्दा है कि हमारा गांव नगर पालिका में नहीं जाना चाहिए और मतलब गांव में गांव ही रहना चाहिए। अच्छा, गांव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नगर पालिका में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमारे गांव को विधायक ने गोद लिया हुआ है और गांव के विधायक ने गोद लिए हुए गांव को कमेटी में दे दिया है, उसके प्रति मीटिंग हुई आज, ये डार्क जोन में दे दिया है। हम उसका विरोध करते हैं और आगे के लिए उससे ये कहना चाहते हैं कि MLA कोई भी बनो, हमारे गांव को कमेटी से निकलवाओ, हमारी मांग ये आज के दिन मांग हमारी। अच्छा ठीक है, और प्रेजेंट में थोड़ी सी सिचुएशन पिछले सालों के मुताबिक, यहाँ से जो लोकल आपके विधायक थे वो मंत्री भी रहे राव साहब, और अब उसके बाद दूसरे विधायक हैं, मैं ये जानना चाहूंगा, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उस दौरान आपके इलाके का स्वास्थ्य अच्छा रहा या अब स्वास्थ्य अच्छा है? वो सबका अपना अपना मत है, वो अपना अपना मत है, जो जिसको भी देना चाहेगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीजेपी से भी खुश है, वो पहले की बात है, उसके बारे में हमारी तरफ से चेतीवाल को दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन हमारा गांव नगर पालिका में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और इसके अलावा कोई और मुद्दा जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं मीडिया के सामने? फिलहाल मुद्दा है आज के दिन, सब मुद्दे इसके नीचे दबे, और कोई आपकी नजर में कोई मुद्दा गांव के विकास से जुड़ा हुआ या कोई और मुद्दा? ना जी, विकास तो गांव में पूरा हुआ है, सरपंच जो अभी सरपंच जी भी पुराना वाला भी विकास खूब करवाए हुए, लेकिन अभी मुद्दा है हम नगर निगम में नहीं जाना चाहवा, हमारी पंचायत बरकरार रहे, और एक मुद्दा है जी, जो अभी जो युवक हैं
वो जो अभी जैसे चलो तो कल रखो पेपर चलो दो उस वालो वो मुद्दे और उठाश कहाँ थोड़ो हो कि भाई दूर सेंटर ना जावी बान वाला बहुत पेपर हिंगा पांच है उनमें नजदीक डिस्ट्रिक्ट लग तो वो माने सेंटर मिले। अच्छा, ना बीजेपी चलेगी ना कांग्रेस ना दूसरी पार्टी, चेहरा वो होगा जो आपकी बातों को सुने, फिर वो चाहे राव साहब हो या फिर कमलेश सैनी हो, जेजेपी हो या बीजेपी, सेंटर का इलेक्शन अलग होता है, स्टेट का इलेक्शन बिल्कुल अलग होता है। सेंटर के मुद्दे सेंटर के होते हैं, स्टेट में लोकल मुद्दों पे इलेक्शन होता है जी, लोकल मुद्दों पे इलेक्शन होगा, जो गांव के मुद्दे हैं, जो अपने आसपास के मुद्दे हैं। मुद्दा मैं आपका समझ गया, लेकिन आपको किसी ने आश्वस्त किया अभी तक? हमें दो तीन साल से मैं सरपंच हूँ, इसमें प्रक्रिया चल रही है, पर 2017 में अपना गाँव हमारा गाँव नगर परिषद में लिया गया था, पर अब एक दूसरा लेटर अधिसूचना के तहत 2019 में अभी भी हमारे गांव का नाम है, इसलिए हमारे गांव में पूरा रोष हो गया है, इसलिए मीटिंग की गई। पर अब हम सब ने अभी यही विचार किया है, जो युवा लड़के हैं ये अपना नेता खुद चुनेंगे, उसके अनुसार अपना वोट देंगे, अगर उसके बाद जो विधायक बनेगा और वो हमारी नहीं सुनेगा तो हम अपने धरना प्रदर्शन करेंगे और अन्य कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि दूसरे जो चुनाव होते हैं लोकसभा के चुनाव मुद्दे अलग होते हैं, और जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, चाहे मीडिया कोई भी कुछ भी कंसेंसस बना रहा हो, लेकिन यहाँ दरअसल विधानसभा के चुनाव आते ही निजी गांव के देहात के जो नीचे से जुड़े हुए मुद्दे वो हावी होते चले जाते हैं। यहाँ पर आपको समझ आया होगा, पाटीकरा ये गांव है, इस तहसील का लगभग सबसे बड़ा ये गांव है, इस गांव की राय आपने समझ ली, यानी कि गांव का जो विकास करेगा, गांव के विकास से जुड़ी हुई जो बात करेगा, गांव की जो ग्राम पंचायत है उसका जो कहा मानेगा वही जीत हासिल करेगा। तो नारनौल तहसील के सबसे बड़े गांव पटीकरा में हम मौजूद हैं, ठीक है, और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन गांव के लिए सभी एक हैं, ठीक है, और गांव के लिए सभी एक हैं, और गांव का जो मुद्दा होगा उसी के हिसाब से वोट भी करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि गाँव का क्या मुद्दा है, हमने अभी समझा कि गाँव को नगर परिषद में शामिल नहीं करना ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस आप कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस ने कभी इस बारे में कुछ किया और नहीं किया, तो अब क्या आश्वस्त कर रही है कांग्रेस की, क्या जो मुद्दे हैं यहाँ के वो एड्रेस करेगी कांग्रेस? बिल्कुल, ये मुद्दा पहले कांग्रेस के टाइम में नहीं था, ये अभी 2014-17 के लगभग इसको नगर परिषद में शामिल किया गया है, कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हम इस मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन मैं पार्टी से हटकर मैं गांव के साथ हूँ, अपने समाज के साथ, अपने युवा साथियों, अपने भाइयों के साथ। ये तो हो गया आपके गांव का मुद्दा, थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि राव तुलाराम की जो ये ऐतिहासिक विरासत की नगरी है, इसका मिजाज क्या है, क्या सोच रही है? मैंने तो इतना सरकार किसकी बने, अब सरकार तो जी सबका बड़ा बड़ा मत होता है, मैं चाहता हूँ बीजेपी की बने। बीजेपी की चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं सर? सरकार बन चुकी जी बीजेपी की, पूछने की बात नहीं है, और 75 पार है अब की बार, 75 पार, मतलब मनोहर लाल खट्टर साहब ने जो आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया, बिल्कुल दुरुस्त दिया है, 75 पार है। अच्छा, आप तो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, 75 पार का आंकड़ा आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो एक बहुत जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, अब कांग्रेस की जब से टिकट वितरण हुआ है कांग्रेस की एक तरफा हवा चल रही है, और जब धरातल पे जब आएंगे 24 तारीख दूर नहीं है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, बीजेपी की आंख खुल जाएगी, कोई पीछे तो ना कांग्रेस सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा, इतने धड़ों में बटने के बाद भी आपको लगता है कि मजबूत होकर सामने आएगी? बिल्कुल, कोई धड़ा नहीं है हमारा, हम सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे कप्तान अजय सिंह यादव जी हो, सभी एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, शैलजा जी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में, सारी कांग्रेस एक है, 24 के बाद कांग्रेस सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से सरकार। चलिए, आपका तो दावा है कि 24 के बाद कांग्रेस सरकार बनाएगी, और लोगों की नब्ज भी थोड़ी टटो लेते, गांव का तो मुद्दा हम समझ गए, गांव के मुद्दे को जो सुलझाएगा उसी को आप वोट करेंगे, फिर चाहे चेहरा बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का हो, लेकिन भाई साहब बताइए राज्य स्तर पर आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी फिर से सरकार बनाए या सरकार नई सरकार? बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस चाहते हैं। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, जरा थोड़ा आगे आइए, थोड़ी नब्ज सबकी टटोलते हैं भाई साहब। अरे भैया जी, भैया भैया रुको रुको, ये बताओ कि गांव का जो आपका मुद्दा है वो हमने सुन लिया, ठीक है, उसको तो जो गांव के मुद्दे को एड्रेस करेगा उसी को आप वोट करेंगे, राज्य स्तर पर आप कौन सी सरकार चाहते हैं?
जी अपने देखे कोई हो, अपन तो गाँव चाहिए युवा शक्ति के साथ है, अपना भाई बंधु ही जो भी कहेंगे हर टाइम तैयार है, अपन राजनीति से कोई लेना देना। काम 2014 से पहले हुआ या 2014 के बाद हुआ? काम 2014 के बाद ही हुआ है। समझ गया मैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं? आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम जी कांग्रेस के चाहते हैं। बीजेपी ने दिया है जुमला 75 बार, ये नारनौल विधानसभा से इनको पता लग जाएगा जी। 2014 से पहले यहाँ पे एक काम हुआ था कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज था वो यहाँ पहली बार आया था। 2014 के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ, एक भी बड़ा मुद्दा, एक भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ी सी पब्लिक हमारे साथ है। भाई साहब इधर अरे इधर आइए भाई साहब। ये बताओ कि कौन सी, ये गांव का मुद्दा आपका समझ आ गया हमें, लेकिन सरकार कौन सी चाहते रहते? सरकार तो जो अच्छी होगी वही सही। 2014 से पहले वाली सरकार अच्छी थी, उसके बाद वाली सरकार तो जो अच्छा काम करेगी हम तो वही चाहेंगे ना। ठीक है सरकार, ये बताइए कि आपके गांव का मुद्दा हमने समझ लिया है, आपके गांव के लिए जो काम करेगा उसी को आप, वो चेहरा कोई भी हो, बीजेपी जेजेपी कांग्रेस कोई भी हो, राज्य स्तर पर कौन सी सरकार चाहते हैं? समझा नहीं आप। राज्य स्तर पर कौन सी सरकार चाहते हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की, जेजेपी की? राज्य स्तर पर हम सरकार की बात नहीं करते, हम जो एमएलए जो बनाए वो हमारे जो निजी काम को संभाले। अब आपने जो अभी एमपी इलेक्शन की बात की थी वो हमने मोदी की वजह से दिए हैं, पूरा मजबूती से उनको सपोर्ट किया उन्हें किया। लेकिन अगर आज कोई हमें निजी अगर कोई दिक्कत हो जाती है, ये मानो कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर भी अगर फूक जाए, जे एक्शन वगैरह अगर हमारी नहीं सुनवाई करें तो हम विधायक के पास जाएंगे। इसलिए हम ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जो हमारे छोटे छोटे कामों में अगर हमें अड़चन आए तो उसमें हमारा साथ दे। अच्छा, ये सैनिकों की और खिलाड़ियों की कर्मभूमि जन्मभूमि मानी जाती है हरियाणा, आप बताइए कि इनको सम्मानित कौन ज्यादा करता है, कौन सी पार्टी आपको लगता है सरकार बनाएगी? अब तो मोदी जी की है पार्टी जो सम्मानित कर रही है, नहीं तो सारी सरकार तो चोर ही रही थी अब तक। और क्या, बाकी गांव का मुद्दा आपका अलग है, वो अलग है, उसका तो जो निदान करेगा उसी को वोट मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर जो राय समझ आई है, गांव का मुद्दा बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस पर ये वोट करने जा रहे हैं, गांव के मुद्दे का जो निदान करेगा उस शहर को वोट मिल जाएगा। लेकिन राज्य स्तरीय सरकार की बात की जाए तो एक बार ज्यादातर थोड़ा लोगों का मानना यह है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 2014 के बाद अच्छे खासे काम किए हैं और मोदी का तो अपना जलवा बरकरार है ही, वह यहाँ देखने को साफ मिलता भी है। इस वक्त नारनौल के पटिकरा गाँव से मैं कुलदीप सिंह पठानिया, कैमरामैन अर्शद के साथ R9 TV के लिए।